खबर गाजीपुर जनपद से, जहां सभी विद्यालयों का सर्वेक्षण चल रहा है। इसी क्रम में भी श्री महंत शिवदास उदासीन इंटर कॉलेज पहुंचने पर वहां के प्रधानाचार्य राजेश कुमार सिंह यादव के द्वारा हमारी टीम के पत्रकार को बताया गया कि सरकार के द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन का पालन करते हुए सिर्फ कार्यालय खुला हुआ है, बच्चों का एडमिशन हो रहा है, बच्चों का स्थानांतरण प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। इसके साथ ही आने वाले सभी बच्चों को कोरोना वायरस से बचने के लिए जागरूक किया जा रहा है, जो कि देश की बड़ी घातक बीमारी है। इस घातक बीमारी से बचने का एक ही उपाय है, मास्क का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी पर विशेष ध्यान दें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। कार्यालय में पहुंचने पर देखा गया कि सतीश कुमार यादव प्रधान लिपिक, चंदन यादव मिथिलेश यादव परिचारक, अशोक यादव लिपिक छात्रों के नामांकन स्थानांतरण प्रमाण पत्र बनाने में जुटे हुए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं, इसमें हम गाजीपुर जनपद के श्री महंत शिवदास उदासीन इंटर कॉलेज में पहुंच चुके हैं, जो कि बहुत ही लोकप्रिय कॉलेज है और बगल में स्नातकोत्तर महाविद्यालय भी है, जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री कालीचरण यादव जी का विद्यालय है, वो संस्थापक वही हैं, उन्हीं के द्वारा इसका नींव पड़ा था। आज विद्यालय चल रहा है, हैं नहीं मंत्री जी, लेकिन उन्होंने जो इतिहास रच दिया वो इतिहास आजीवन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, और उन्होंने इतिहास रच दिया किस ग्रामीण अंचल में हमारे यहाँ जो भी सुदूर क्षेत्रों से बच्चे आएंगे, बच्चियाँ आएंगी, और सही ढंग से उनको पढ़ाया जाएगा, और यहाँ की व्यवस्थाएं संचालन मंत्री जी के द्वारा ही होता था, जो आज इस समय नहीं है। यह उनका एक इतिहास बना दिया गया है, जो कि अपने कार्यकाल में यहाँ पे कॉलेज बनवाए, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज। आज हम उस विद्यालय पहुँचे हैं जहाँ पे कोरोना काल के चलते विद्यालय बंद चल रहा है, और विद्यालय की सारी प्रक्रियाएं यानी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। हम कार्यालय में पहुँचते हैं और देखते हैं यहाँ की क्या स्थिति है, और यहाँ कार्यालय में जो बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं उनका नामांकन, उसके बाद स्थानांतरण प्रमाण पत्र आदि व्यवस्थाओं में यहाँ के समस्त स्टाफ लगे हुए हैं। कोरोना काल को देखते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पे सैनिटाइजर भी रखा गया है, जिससे भी कहा जाता है कि जिंदगी बचानी है तो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचें, इसलिए सैनिटाइजर, हैंड वॉश, मास्क, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे जो है कि रखे हुए हैं कि कोई किसी को दिक्कतें ना होनी पाए। और हमारे जो है पूर्व शिक्षा मंत्री परम आदरणीय कालीचरण जी का यह विद्यालय है, और इन्हीं के विद्यालय में हम पहुँच चुके हैं, यहाँ पे हम कार्यालय पहुँचे हैं। हम मिलते हैं यहाँ के प्रधानाचार्य जी से, और इस विद्यालय की व्यवस्थाओं पे देख रेख किस तरह चल रहा है कोरोना काल में, हम वार्ता करते हैं यहाँ के प्रधानाचार्य जी से। सुमनाम सर, आपका? राजेश कुमार सिंह यादव। सर, ये बताएं हमें कि इसमें कोरोना काल चल रहा है और आपका विद्यालय कैसे चल रहा है? हमारा विद्यालय जो है सरकार के आदेशानुसार जी उनके नियम को पालन करते हुए विद्यालय को खोला गया है। बच्चे नहीं आते हैं, गार्जियन बच्चों को लेकर एडमिशन कराने के लिए और प्रशासनिक कार्यों के लिए आते रहते हैं। अच्छा सर जी, ये जो बच्चे जो पास हुए हैं इन लोगों का प्रमाण पत्र किस ढंग से दिया जाएगा? कौन से बच्चे जो 9 में पास हुए हैं, परीक्षा हुआ नहीं है, इसकी क्या व्यवस्था थी? 9 की परीक्षा हो चुकी है। 9 की परीक्षा हो चुकी है? 9 की हो चुकी है। तो 9 वाले बच्चे 10 में जाएंगे? 3 बोर्ड की परीक्षा हो चुकी है। तो अब जो है कि नामांकन प्रक्रिया चालू है? हाँ, नामांकन प्रक्रिया अभी ऊपर से आदेश नहीं है जी, लेकिन एडमिशन चल रहा है। एडमिशन चल रहा है? एडमिशन चल रहा है, यानी बच्चों का नामांकन आपके यहाँ दर्ज हो गया रजिस्टर पे? रजिस्टर में दर्ज। जब कॉलेज खुलेगा तो बच्चे अपना शिक्षा ग्रहण करने के लिए कॉलेज पे आएंगे? आएंगे। अच्छा, जो बच्चे बाहर यानी का स्थानांतरण प्रमाण पत्र है ये अभी आराम से मिल रहा है? हाँ, स्थानांतरण प्रमाण पत्र मिल रहा है। यानी देखिए, हमारे प्रिंसिपल साहब ने बताया कि यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं सरकार की गाइडलाइनों का पालन करते हुए बहुत ही सुचारू ढंग से चलाए जा रहे हैं, और सरकार के निर्देशानुसार यहाँ पे कॉलेज खुले हैं, लेकिन सरकारी यानी ऑफिशियल कार्य हो रहे हैं। ऑफिशियल कार्य में बच्चों का नामांकन,
एडमिशन हो रहा है, उसके बाद जो बच्चे यहाँ से पास कर चुके हैं स्थानांतरण प्रमाण पत्र उन्हें भी दिया जा रहा है कि अगली कक्षा में प्रवेश लेने